दोस्तों नमस्कार। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप दो तस्वीरों को देख रहे हैं, एक है शाहरुख खान और दूसरे है डॉक्टर कफील। जी हाँ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर वाले डॉक्टर कफील। और ये दो तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल डॉक्टर कफील ने शाहरुख खान को एक पत्र आज लिख दिया है और ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आखिर क्यों डॉक्टर कफील ने शाहरुख को पत्र लिखा है और इस पत्र में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। डॉक्टर कफील को आप अगर नहीं पहचानते हो तो आपको बता दें कि गोरखपुर में बड़ा हादसा हुआ था बीआरडी कॉलेज में, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से काफी संख्या में बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर कफील को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया, उनकी नौकरी छीनी गई, उन्हें जेल भेजा गया। फिलहाल वो जेल से बाहर हैं, लेकिन सवाल अभी भी उठता है कि क्या वो दोषी थे या फिर उन पर सारा दोष मढ़ा गया। इसी को लेकर डॉक्टर कफील ने पत्र लिखा है शाहरुख खान को, लेकिन शाहरुख खान को यह पत्र क्यों लिखा है, ये भी अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि इसकी कहानी सीधे उनकी फिल्म जवान से जुड़ रही है। चलिए पहले आपको वो पत्र दिखाते हैं, आखिर इस पत्र में है क्या। ये है वो दो पन्नों का खत जो डॉक्टर कफील ने शाहरुख खान के नाम लिखा है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ऑनरेबल मिस्टर शाहरुख खान SRK, और सबसे नीचे साइन है डॉक्टर कफील की, और तारीख लिखी हुई है 29/9/2023। इंग्लिश में यह पूरा पत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रॉम डॉक्टर कफील खान एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। SRK सर को उन्होंने क्या लिखा है, इसका पूरा मजमून भी आपको बताएंगे। चलिए तो इस तस्वीर के साथ ही आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जो डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट करके शेयर की और खुद इस पत्र को सामने रखा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस पत्र में डॉक्टर कफील खान ने आखिर लिखा क्या है। दरअसल डॉक्टर कफील खान ने जब जवान मूवी को देखा तो शाहरुख खान की मूवी में एक पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है, जो कि बिल्कुल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ था उससे मिलता जुलता है। हालांकि फिल्म में कफील खान का मानना है कि वो एक काल्पनिक आपने दृश्य तैयार किया, लेकिन उसकी जो पूरी कहानी है वो मेरी खुद की कहानी से मिलती हुई है, ये कफील ने कहा है। कफील का कहना है कि आपकी फिल्म में तो जो नायक था उसको इंसाफ मिल गया, अंत में जिसको दोषी बताया जाया था वो हीरो बनकर वापस आ गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। 64 बच्चों की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है और मुझे आज तक इंसाफ भी नहीं मिला है। और मुझे इंसाफ ना मिलने का मतलब है कि उन 64 परिवारों को भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि उनके बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो कफील ने जिस तरह से ये पत्र लिखा शाहरुख खान को, अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की है। साथ ही कफील ने मुलाकात करने की इच्छा भी जाहिर की है और कहा है कि शाहरुख खान साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अपना दुखड़ा रोना चाहता हूं आपके सामने, ताकि आप मुझे समझ सकें और आपने जिस तरह से कहानी में रिक्रिएट किए हैं चीज़ों को उसको मैं समझ सकूं। साथ ही शाहरुख खान के लिए उन्होंने लिखा है कि आपकी ईमेल आईडी मैं खोजता रहा, मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं बाकायदा अब एक खत आपको लिख रहा हूं और इस खत का जवाब आपसे चाहता हूं। बहरहाल ये खत अब वायरल है और लोग तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। डॉक्टर कफील की कहानी को पहले ही जवान मूवी से सोशल मीडिया पर लगातार लोग मैच कर रहे थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के एक बयान को भी मूवी में जो एक बयान सामने आया उससे मैच कर रहे थे। फिलहाल अब खुद डॉक्टर कफील ने सामने आकर के शाहरुख खान को लिख दिया है और इसके बाद से अब चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म है।